Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the business for class 11th, and in this video we understand about the chapter number 7, that's name is a source of business finance, and it is our 8th part of this chapter. Our today's topic is incorporate deposits. Factor kept in mind before selecting the suitable source of business finance. जब हम business finance को select कर रहे हो तो किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए उसकी बात करता है. So our today's topic is first that तो हम बात करेंगे इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट यानी कि ICD. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट ICD. ये MCQ के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा सकता है इसमें से. तो बोरोज फंड ये वही होता है और शॉर्ट टर्म सोर्स के रूप में इसको देखते हैं हम. ठीक है, कहता है इट इज़ द डिपॉजिट मेड बाई द वन कंपनी विद अनदर कंपनी. अब यहाँ पे थोड़ा करनी है, इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट होता है. इंटर का मतलब होता है कि रिलेट करना, कॉरपोरेट का विद बिजनेस अथॉरिटी से, डिपॉजिट का होता है यानी कि एक कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी में जब पैसे लगाती है तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको, ICD को, यानी इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट को. दिस ऑप्शन फॉर यूजिंग फाइनेंस इज अवेलेबल टू ऑल पब्लिक कंपनीज वेदर हैविंग द शेयर कैपिटल और नॉट. कहता है ये जो ऑप्शन होता है ज़्यादातर इसलिए यूज करता है कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो सभी के लिए बनी रहे, चाहे वो कंपनी शेयर इशू कर रही हो या ना कर रही हो, शेयर कैपिटल उसके पास हो या ना हो. इट्स इंक्लूड वेन अ कंपनी एक्वायर सिक्योरिटीज फ्रॉम अदर कंपनी. ये तब होता है जब एक कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी के सिक्योरिटीज को यानी शेयर्स को खरीदने का काम करती है. When a company gives loans to another company, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देने का काम करती है यानी अपने पैसे दूसरी कंपनी में लगाती है, तब ये कंडीशन यानी कि ICD का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है. फिर कहता है when a company gives guarantee to any person or institution who provides loan to other companies, यानी फिर ये कहता है कि ऐसी कंपनी जो ये गारंटी देती है किसी व्यक्ति को या फिर किसी institutions को जो क्या कर सकता है, उसको लोन प्रोवाइड कर सकता है, तो ये सारी टर्म्स जो रिप्रेजेंट करती हैं वो ICD को यानी कि इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं. अब ये चीज़ें होती कितने टाइम के लिए, कैसे कैसे होती हैं, तो उसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है थ्री मंथ डिपॉजिट्स के रूप में देखते हैं. तो कहता है कॉमनली द मोस्ट ऑफ द कॉमन डिपॉजिट्स टू ओवरकम द शॉर्ट टर्म्स फाइनेंस प्रोवाइड बाई एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिविंग द थ्री मंथ डिपॉजिट इज 12% पर एनम. यानी कि अगर हम थ्री मंथ की जब डिपॉजिट की बात करते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 12% मिलता है, ये दिमाग में रखेंगे. सिक्स मंथ डिपॉजिट की बात करते हैं तो उसमें मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो एनुअली इंटरेस्ट जो होता है वो 15% होता है. और कॉल डिपॉजिट जो होती है ये जब लेंडर की रिक्वायरमेंट होती है वो डे नोटिस होता है, यानी जैसे ही जरूरत होगी वो तुरंत आपको नोटिस देगा, और उस पर देने वाला जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 10% होता है. फिर यहाँ नॉर्मली फिर से देखिए कॉल डिपॉजिट की बात करें, दिस कैन बी रिटेन डाउन बाय द लेंडर्स बाय गिविंग द वन डे नोटिस, यानी कि एक दिन के नोटिस पे क्या होता है इस तरह के अमाउंट को जनरेट किया था और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% जाता है. द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ICD यानी इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट इज दैट ट्रांजेक्शन्स आर फ्री फ्रॉम द लीगल एंड द ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स. यानी कि अगर देखें तो ब्यूरोक्रेटिक का मतलब तो तानाशाही से लिया जाता है इसको, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं लीगली प्रोसीजर से या फिर किसी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन से ये क्या होता है, पूरी तरीके से फ्री होता है. अब मेरिट की बात कर लें ICD की, इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट की, तो सिक्योरेसी की अगर बात करें, द ब्रोकर इन दिस मार्केट नेवर रिवील्स देयर लिस्ट ऑफ मनी लेंडर्स लिस्ट ऑफ लेंडर्स एंड बोरोवर्स. यानी कि इस तरह के मार्केट में कभी भी ब्रोकर क्या करता है, अपने बोरोवर्स के बारे में या लेंडर्स के बारे में उनके लिस्ट को डिस्क्लोज करने का काम नहीं करता, बताने का काम नहीं करता. दिस डिपॉजिट्स आर सुटेबल फॉर द बोरोइंग कंपनीज टू सॉल्व देयर शॉर्ट टर्म्स फाइनेंस प्रॉब्लम इमीडिएटली. और इस तरह का जो कंडीशन होता है यानी कि ICD जो कॉन्सेप्ट होता है वो ज़्यादातर ऐसी कंपनियों के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है जिनको कम समय के लिए पैसे की ज़रूरत होती है. फ्री फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट एंड लीगल प्रॉब्लम्स, यानी कि इस पर जो लीगल प्रोसीजर्स होता है इस तमाम तरह के प्रोसीजर से ये क्या होता है, बचा होता है, इसमें नहीं लगता. आगे अगर देखते हैं डीमेरिट्स की बात कर ले, डीमेरिट की सिचुएशन की जब बात करते हैं तो इसमें नॉर्मली कहता है डू नॉट सुटेबल फॉर द लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल नहीं होता, यानी कि आई
सीडी की अगर बात करें तो ये लंबे समय तक के लिए फंड्स को जनरेट नहीं करता। हाई रिस्क एज आईसीडी आर यूज आईसीडी आर अनसिक्योर डिपॉजिट्स। ये क्या होता है, हाई रिस्क होता है इसमें, यानी कि इस तरह के अगर पैसे में डिपॉजिट होती है, कोई पैसे में लगाते हैं इस तरह का, तो उसमें हाई रिस्क होता है क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होता है, यानी इसके ऊपर इसके अगेंस्ट कोई आपके लिए एसेट्स वगैरह रखने का काम या अपोजिट एसेट्स हम इसको नहीं मेंटेन करते, यानी कि कोई लैंड हुआ, मशीनरी हुआ, उसके अगेंस्ट हम इसको जनरेट करने का काम नहीं करते, इसलिए इसमें हाई रिस्क बना रहता है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दैन बैंक, बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें मिलता है, तो अगर देखें तो इस तरीके से यह ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा रिस्क होता है और ये लंबे समय तक के लिए लिया जाने वाला ज़्यादा बेहतर होता है। अब हम बात करने वाले हैं ऐसे कंटेंट के बारे में जिसे हम कहते हैं कि फैक्टर कीपिंग इन माइंड व्हेन रेजिंग लोन, जब हम लोन ले रहे हों तो किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए उसकी बात करता है। कॉस्ट इन्वॉल्व,